योगी बाबा ही आ रहे हैं। योगी बाबा तो आप वोट दिए? हाँ बिल्कुल दिए, अभी भी उतरा नहीं है, है चलो इन्होंने वोट दिया। योगी जी द्वारा आएंगे और जितना ये परिवारवाद है ये बिल्कुल परिवारवाद खत्म होगा, और मोदी जी फिर दोबारा आ रहे हैं और वो पूरा परिवारवाद जब तक खत्म नहीं होगा तब तक गवर्नमेंट बीजेपी की बनती रहेगी। अच्छा। और गुंडा राज बिल्कुल खत्म होगा, जो हमारी जो बेटियां हैं लेडीज हैं वो बिल्कुल सुरक्षित है इस गवर्नमेंट में, इसीलिए दोबारा वापिस आ रही है गवर्नमेंट। नमस्कार, मैं मुख्तार और आप देख रहे हैं युवा की आवाज़। अभी हम मौजूद है विश्वविद्यालय के पास, जहां पे कुछ कॉलेज के छात्र यहां पे आसपास है। हम इनसे बात करेंगे क्योंकि यूपी में संग्राम जारी है, किसकी सरकार बनेगी अभी कुछ पता नहीं है। हम यहां के लोगों की राय जानेंगे कि शाम तक अगर फैसला आता है तो किसके हित में आता है। आइए यहां के लोगों से जानते हैं और बात करते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? अर्पित। तो यूपी में जैसा इलेक्शन रिजल्ट है तो किसकी सरकार आ सकती है? योगी की सरकार आएगी। योगी की आ सकती है, आपका क्या कहना है इस पे? योगी की आएगी। योगी आएगी, लग तो वही रहा अभी भी, वही आएगा। नमस्कार मैम, क्या नाम आपका? सिमरन। तो यूपी में अभी माहौल बहुत ज़्यादा गर्म है, पता तो नहीं किसकी सरकार आएगी? आपको क्या लगता है किसकी आनी चाहिए? पता नहीं, मैं यूपी में रहती नहीं ना, मुझे यूपी का पता क्या काम हुआ, तो मैं कैसे बता सकती हूँ किसकी आनी चाहिए। सरकार कौन सी ठीक रहेगी आपके हिसाब से यूपी में? वो तो लोग जो वोट करें उन्हीं को ही पता होगा, वही बता सकते हैं, वोट क्लियर हो जाएंगे तो पता चल जाएगा किसकी आएगी। क्या नाम है आपका? तनु। तनु, तो आप ये बताओ स्टूडेंट हैं आगे? जी हाँ, मैं यहाँ की स्टूडेंट हूँ। तो अभी यूपी में रिजल्ट आ रहा है, आज किसकी सरकार आ सकती है? देखिए हमें यूपी की सरकार में तो बिल्कुल भरोसा नहीं है, मेरे को दिल्ली की सरकार पे भरोसा है क्योंकि मैं दिल्ली की नागरिक हूँ, तो मुझे केजरीवाल पे पूरा भरोसा है। अच्छा, तो यूपी में किसकी यूपी में योगी या अखिलेश? अखिलेश। अखिलेश आना चाहिए जी। चलो, योगी कोई काम का नहीं है। अच्छा, आपको क्या लगता है? अखिलेश ही आना चाहिए। अखिलेश आना चाहिए, क्यों आना चाहिए? वो अच्छे काम करते हैं, वो वहाँ के लिए अच्छा काम करते हैं। क्या नाम है आपका? जितेंद्र कुमार। कहाँ के रहने वाले हो आप? कानपुर। ओहो, कानपुर मतलब यूपी के ही रहने वाले हो, तो आपको तो पता ही होगा माहौल गर्म है, किसकी सरकार आ सकती है? सरकार किसकी आएगी आज? क्या मालूम किसकी आएगी, जो वो जीतेगा उसकी आएगी। आपके शहर की बात हो रही है तो आपको पता होना चाहिए ना। योगी। योगी आएगी? हाँ जी। क्यों योगी, क्यों अखिलेश, क्यों नहीं? अब मुझे क्या मालूम है इसके बारे में। तो योगी क्यों, आपने बोला योगी, योगी ही क्यों? क्या अच्छा लगा उनमें आपको? हाँ? अच्छा क्या लगा उनमें आपको? अच्छा क्या, फिर जनता को अच्छा लगेगा, सबको अच्छा लगेगा ना, आप जनता के साथ हो। हाँ जी। ओके, यूपी में किसकी सरकार आएगी? भाजपा के। भाजपा क्यों? क्योंकि वो अच्छे काम भी कर रही है, पहले भी कर रही थी, अब भी करेगी, वादा किया है। अच्छा, अखिलेश भी तो करते हैं अच्छा काम? वो तो नहीं, नहीं करते नहीं। अच्छा, आपको क्या कहना है इस पे? योगी की सरकार आएगी। क्यों योगी ही क्यों? योगी बढ़िया बढ़िया काम कर रही है, वो क्या कहते हैं उसके ऊपर काम कर रही है, मंदिर कौन सा है? अयोध्या। अयोध्या के ऊपर, राष्ट्रवाद के ऊपर वोट देना चाहिए क्या? हाँ जी। क्यों ये नहीं बता सकता, ये नहीं पता। चलिए, क्या नाम है आपका? विजय। कहाँ के रहने वाले हो आप? राजस्थान। राजस्थान के, तो यूपी का माहौल गर्म है, उसके बारे में कुछ पता है किसकी सरकार आएगी? कुछ पता नहीं है मुझे। कोई नहीं पता, लेकिन आना किसको चाहिए? क्या करना है हमें, आना किसको चाहिए, देश में क्या हो रहा है सब पता होना चाहिए ना? हमें कुछ नहीं पता। आपको क्या लगता है? हमें क्या लगेगा, अब देख लो किसकी सरकार बनेगी, अखिलेश की बनेगी, योगी की बनेगी, बेटर कौन रहेगा, अच्छा कौन रहेगा? अरे अच्छा, सभी ऐसे हैं आंटी। यूपी में माहौल गर्म है, आज रिजल्ट आने वाला है, किसकी सरकार बनेगी? जिसकी बन जाएगी वही भगवान है। भगवान है, सरकार भगवान होते हैं? हाँ, और क्या, कैसे? अरे भगवान तो होती है, सबको सुविधा मिलती है। सरकार आप बना रहे हो तो भगवान वो कैसे? अरे भैया हमारे लिए तो वही भगवान, हम तो मजदूर हैं। किसकी सरकार, योगी अखिलेश? जो भी आ जाए सब बढ़िया है, सब बढ़िया है। सर यूपी में माहौल गर्म है, अभी किसकी सरकार आनी चाहिए? सर वहाँ पे तो योगी बाबा ही आ रहे हैं। योगी बाबा, तो लोगों का मकसद क्या है योगी बाबा को फिर से लाने का? अरे वहाँ पर देखो कानून व्यवस्था देखो वहाँ की, और विकास देखो कितनी रोड बन रही है वहाँ पे, बहुत कुछ। हम भी गाजियाबाद में रहते हैं। अच्छा अच्छा, आप यूपी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप वोट दिए? हाँ बिल्कुल दिए, अभी भी उतरा नहीं है, है अभी। चलो इन्होंने वोट दिया, योगी। तो योगी को ही क्यों चुने सर? क्योंकि उन्होंने जो बोला था वो करके दिखाया। अच्छा, गुंडा राज हटा करके दिखाया, और बाकी भी सब हटा देंगे जितने गुंडे हैं। अच्छा चलो, आप क्या कहेंगे सर? योगी 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 योगी
योगी जी द्वारा आएंगे और जितना ये परिवारवाद है ये बिल्कुल परिवारवाद खत्म होगा। और मोदी जी फिर दोबारा आ रहे हैं और वो पूरा परिवारवाद जब तक खत्म नहीं होगा तब तक गवर्नमेंट बीजेपी की बनती रहेगी। अच्छा। और गुंडा राज बिल्कुल खत्म होगा। जो हमारी जो बेटियां हैं लेडीज हैं वो बिल्कुल सुरक्षित हैं इस गवर्नमेंट में, इसीलिए दोबारा वापस आ रही है गवर्नमेंट। इसीलिए लोगों ने दोबारा इसीलिए लाई है क्योंकि दूसरी जो पार्टी थी अखिलेश जी की उससे सब लोग डरे हुए थे, यही रीजन था कि योगी जी को दोबारा लाया गया है। योगी जी का बुलडोजर फिर दोबारा चलेगा। अच्छा, गुंडा राज खत्म कर दिया। गुंडा राज खत्म कर दिया। चलो भारत माता की जय। क्या नाम है आपका? सचिन कुमार। तो कहाँ के रहने वाले हो आप? हम बागी बलिया। अच्छा, तो यूपी में अभी रिजल्ट आने वाले, तो योगी की सरकार बनने वाली है, तो योगी हो क्यों भाई? योगी सबसे बेटर है भाई, हिंदुत्व तो, हाँ, सनातन धर्म के लिए हमारे सबसे मस्त है। क्यों धर्म को लेकर ही चलते तो वो बेटर कैसे? नहीं, धर्म के लिए भी है, उसके बाद विकास के भी लिए। यूपी में, यूपी में बहुत सारी विकासें हुई हैं, सड़कों के लिए हुई हैं। अच्छा। गरीब के अनाजों के, किसान को पैसे के लिए बहुत कुछ विकास हुआ है। विकास हुआ तो देखा, हमने यहाँ के लोगों से सभी से बात किया, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो भी लोग यहाँ पे थे, बच्चे थे, छात्र थे, सभी से हमने बात की। सभी ने अपनी अपनी राय रखी है कि सभी को, सभी ने बताया कि यूपी में कौन किसकी सरकार आनी चाहिए, कौन बेटर रहेगा, और सभी ने अपनी अपनी राय रखी। तो आप बने रहे युवा की आवाज़ के साथ। नमस्कार, फिर मिलेंगे, धन्यवाद।